SSH India। अभी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनसे रिकवरी का काम तो 23 तारीख के बाद शुरू होगा। जो बेल में है ना वो जेल में होंगे, कोई बचा नहीं सकता। और सारे विरोधी मिलकर के इसीलिए रात दिन लगे हुए हैं कि मोदी को रोको रोको रोको। अगर मोदी दोबारा आ गया तो हमने जो 70 साल में इन लोगों को लूटा है हमसे वसूल करके फिर इनकी झोली में डाल देने का काम करेंगे। इसी रात दिन लगे हुए हैं कि मोदी को रोको रोको। लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है, थाना इनाम पे बताइए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले आपके यहां तो बसपा गठबंधन का प्रत्याशी गठबंधन का बसपा का है ना यहां पे। अब साइकिल के ऊपर हाथी बैठी साइकिल वैसे चकनाचूर कर दिया है आपने 2017 में। और 2017 के चुनाव में जो बसपा 19 सीटों में सिमट करके रह गए, अब वो ये समझते हो एक दूसरे के दुश्मन है। केन और मेल का शक हो सकता है क्या? और केन मेल का शक करने की साफ और मेवड़े की दोस्ती करने की मतलब एक दिखावटी जो कार्रवाई चल रही है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 23 तारीख को जब वोटों की गिनती हो जाएगी ना और आप समाचार सुनोगे 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। और उसके बाद जो पहले होता रहा है इस चुनाव के पहले सपा वाले बसपा वाले सपा वालों को वही फिर शुरू होगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया, मैं आप सब लोगों से इतना ही अपील करने के लिए यहां पर आया हूं, रमेश भाई बिंद को प्रत्याशी मत मानना, यहां पे प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानना। आपके प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, आपके प्रत्याशी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, आपका प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। और यह जो मंच से अभी बहुत सारे लोगों ने उद्बोधन मेरे सामने किया, मेरे आने से पहले भी किया होगा, उन सबको प्रत्याशी मान करके कमल का फूल खिलाना है। 5 साल में अगर देश को 55 साल आगे मोदी जी ले जा सकते हैं तो आने वाले 5 साल में देश को 100 साल आगे भी ले जाने का काम कर सकते हैं। 5 साल के अंदर याद करिए हेमराज तो हमारा बहादुर सैनिक था जिसका सर काट करके पाकिस्तानी ले गए थे, भूल रहे कि हमें। लेकिन उस समय क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती थी क्या? एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती थी क्या? उस समय भी हो सकती थी। हमारी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन उस समय आपने 56 इंच के सीने वाले को देश की बात तोड़ नहीं दी। और जब 56 इंच के सीने वाले मोदी जी को देश की बात तोड़ सौंपी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, एयर स्ट्राइक भी हुई है और आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा देने का काम भी हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आने वाली 12 तारीख को आप चाहते हो आतंकवादी समाप्त हो जाए, चाहते हो नहीं चाहते हो, आप आतंकवादी को समाप्त करना चाहते हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो, गरीबी समाप्त करना चाहते हो, मैं जानता हूं आप चाहते हो। कई बार कोई जल्दी बनाया, कोई फर्जी बातें बताया, भाजपा की सरकार है, मोदी जी है, योगी जी, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? 55 साल और 15 साल दोनों 15 साल में प्रदेश को बर्बाद करने का तुम्हें जो काम किया है क्या जनता भूल गई है क्या? 55 साल में देश के लिए आपने क्या किया कांग्रेसियों? यह देश की जनता को याद है और याद दिलाना चाहता हूं मैं। 55 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और सपा बसपा वाले केंद्र में चलने वाली सरकार को समर्थन करते थे और वो 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था। और प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों ने लाखों करोड़ का घोटाला किया। आज जो विकास हो रहा है, पहले बिजली इतनी मिलती थी क्या गांव में आपको? सड़कें इस तरह से बनती थी क्या जैसी आज बन रही है? कोई थाना और पुलिस में इतनी सुनवाई होती थी जितनी आज सुनवाई हो रही है? ये जो बदल आया है, आपने कमर खिलाया है, ये सारी समस्याओं का एक समाधान है मेरे भाइयों बहनों। 12 तारीख को आप केवल अपने मतदान केंद्र तक जाने की जो जरूरत है उसको पूरी कर दी। मैं आपको कह करके जा रहा हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे आप, अपने घर से निकल करके बूथ तक जाने का काम करेंगे आप। और पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत कर लिया तो शायद विश्व के मानचित्र में एक देश का नाम नहीं होगा, उसका पाकिस्तान होगा। आपका एक कमर का फूल बटन दबाने के
वालियों की फैक्ट्री पर एक एक हजार किलो का बम गिरेगा, ये आप समझ। और कांग्रेस ऐसी सपा बसपा वाले कई कहते ये प्रधानमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसद चाहिए है क्या किसी पार्टी की इतिहास में जो 272 जीत सके। और ये केंद्र में सरकार ने प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश के उज्जवल भविष्य को सुधारने का मौका है। आप कमर के फूल की बटन दबाइए, एक एक हजार किलो का बम आतंकवादियों की फैक्ट्री पर गिर रहा होगा, ये जान रखना। आप कमर के फूल की बटन दबाइए, भ्रष्टाचार के जड़ में मच्छर डालने का काम हो रहा होगा। आप कमर के फूल की बटन दबाइए, जो बेघरेना भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी मेरे देश में गरीबों की, और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैं 2022 तक, ये 2019 चल रहा है, बहुत घर मिले हैं इस साल, दो साल के अंदर जब से सरकार राम में, कमल दिल्ली में भी था और कमल उत्तर प्रदेश में भी था, तो घरों का सब गांव में बनने के लिए घर बने हैं। और अगर आपने 2019 में बनाने जा रहे हैं घर पर, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, यहां पर रमेश जी को जिताने का काम किया, तो 2022 तक देश का एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का मकान नहीं। लेकिन गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री, और एक गरीब का बेटा और आप जैसा कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है। और सबको कह करके जा रहा हूं, मैं कोई बातें ऐसे नहीं करता हूं, जो कहता वो करता हूं। अगर केशव प्रसाद एक कार्यकर्ता के नाते यूपी का उप मुख्यमंत्री है, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो और चाहे प्रदेश का कोई पदाधिकारी, वह अपने को भी उप मुख्यमंत्री से कम न समझे, अभी मैं यहां पर कह करके जा रहा हूं। इतना ही निवेदन करना है कि आने वाली 12 तारीख को किसी और को मत देखना, किसी से और से मत पूछना, जितना मेहनत माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको भी आज करके करने का संकल्प लेकर के हाथ जाना है। जाओगे संकल्प लेकर के? आज तारीख कौन सी है? 29 है और 12 तारीख कोर्ट पड़ना है, 12-13 दिन बचा है ना, 13 दिन के अंदर आप सपा बसपा कांग्रेस तीनों की चले ही कर सकते हो। आज उठा के बता दोगे कि आज से लेकर के 12 तारीख तक जब तक हम अपने अपने बूथ पर कमल नहीं गिरा लेंगे, तब तक हम भी उतना ही परिश्रम करेंगे जितना मेरे प्रधानमंत्री परिश्रम करते। करोगे? देशवासियों के दिल में मोदी जी हैं और मोदी जी के दिल में देशवासी, इसीलिए एक कहो दिल से मोदी फिर से। आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आने वाली 12 तारीख को भारी मतदान करिए, कमल का फूल खिलाइए, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। अगर मोदी जी रमेश जी को सांसद बनाए बगैर प्रधानमंत्री बन सकते तो निश्चित तौर से आप, मैं समझता हूं, कोई ईवीएम मशीन को और उबाल मार रही होगी, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रमेश जी को सांसद बनाना जरूरी है। इसलिए मैंने बता दिया प्रत्याशी आपके कौन कौन, इसलिए आने वाली 12 तारीख तक जाइए सब कुछ ढूंढ, याद रखिए 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी को और कमल का फूल। विकास और सुशासन के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है, और लक्ष्मी जी ना हाथी में बैठ के आएंगी, ना साइकिल में बैठ के आएंगी, ना हाथ के पंजे में बैठ के आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ के आएंगी। और लक्ष्मी जी आएंगी तो कोई दुखी नहीं रहेगा, चारों खुशहाली होगी, विकास होगा। और इन विरोधियों को मालूम है कि गरीबी दूर हो गई तो सपा बसपा कांग्रेस के कार्यालय में ताला लग जाएगा। ये जातिवाद के आधार पर कह रहे हमारे पास जाति समीकरण है, मैं कह रहा हूं मेरे विरोधियों, तुम्हारे पास जाति समीकरण है और देश की जनता के पास मोदी समीकरण है। मोदी समीकरण का जवाब कैसे दोगे? वो जाति तो जानता नहीं है, वो केवल गरीब और किसान और मजदूर और देश का 130 करोड़ बच्चा बच्चा जानता है। माता बहन के जीवन की खुशी मोदी जी के अलावा कोई नहीं, क्या ये माता बहन
माँ भोजन बनाती थी, धुआं इतना होता था कि ना मैं माँ को देखता था और ना माँ मुझे देखती थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया गरीबी के कारण जो कष्ट मेरी माँ ने सहा है, अब मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, देश की किसी गरीब माँ और बहन को वह कष्ट नहीं सहने दूंगा जो मेरी माँ ने सहा। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों कनेक्शन मिले, जिनको मिल गए उनको मिल गए, जिनको नहीं मिले उनको मिलने वाले। ये मोदी जी का संकल्प है, किसानों को 5 साल तक 1 लाख रुपए तक का अगर कर्जा ले तो 1 पैसा ब्याज नहीं देना है। धारा 370 समाप्त होगी, ये भाजपा का वादा है, और धारा 370 बनी रहेगी ये कांग्रेसी कुनबे का वादा है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना को अच्छे अच्छे हथियार दिया है, पूरी छूट दिया है, और कांग्रेस की मदद करने वाले चाहे वो सपाई बसपाई कोई भी हो, कांग्रेस ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सेना के अधिकार कम कर देंगे, धारा 370 को बनाए रखने का काम करेंगे, देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे। तो यह सारी बातें याद रख करके उज्ज्वल भविष्य के लिए, देश को 100 साल आगे ले जाने के लिए, भ्रष्टाचार आतंकवाद और गरीबी को मिटाने के लिए 12 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। आप भी किया काम करिए और गांव गांव में जाइए, जाएंगे घर घर जाइए, गांव गांव में जाइए, लोगों से अपील करिए कमल खिलाने की। और इतने लोग अगर तय करके जाएंगे तो मैं तो विश्वास रखता हूं फिर तो या गठबंधन का प्रत्याशी हो चाहे ठगबंधन का प्रत्याशी हो, ये जमानत भी बचा नहीं पाए। यह विश्वास करते हुए आप सबको यही निवेदन करके कि आने वाली 12 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाइए, सब कुछ भूल याद रखे नरेंद्र मोदी और कमल का भूल। इसका निवेदन करते हुए देता हूं अपनी बाड़ी को विराम, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात और याद रखना, एक बड़ा इधर वीडियो वायरल कराया जा रहा, मैं देखा करता हूं, मैंने वहां पर मुझे किसी ने दिखाया, अभी चुनाव तक इतने बहुत सारे वीडियो आएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आप सबको निवेदन कर दे रहा हूं ऐसी किसी बातों के अफवाहों के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा पता चलेगा गांव की कहावत है कौवा कान ले गया, कान नहीं देखे कौवा के पीछे दौड़ने लगे, हो जाता है ऐसा, किसी चक्कर में मत पड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, और सबको सम्मान करते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जो आपके यहां से पहले प्रत्याशी थे, वो इस समय प्रदेश अध्यक्ष है, और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर बैठा हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी वहां बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम उत्तर प्रदेश के विकास को भी आगे लेकर के चल रहे हैं, और मोदी जी की अगुवाई में तो पूरे विश्व में डबका भारत समझ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मिले हर मंदिर में, और सभी लोग एक चाहता हूँ 6 तारीख को।